दिस इज कमल दी फ्रॉम स्टडी बात। स्टडी बात में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये मेरी कंपाउंडिंग टास्क के ऊपर थर्ड वीडियो है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखी, कृपया पहले वो देख लें, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट का पता लग पाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज़ 169 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया हो प्रीवियस वीडियोज़ में, जो फर्स्ट ईयर के लिए रेशियो होती है 1:0, सेकंड ईयर के लिए सेकंड हम अपनी ओर से निकालते लगाते हैं और 1:0, 1, और थर्ड ईयर के लिए 3 अपनी ओर से निकालते लगाते हैं, तो 2+1, 3 एंड 1 एज इट इज़। एंड फोर्थ ईयर में क्या होता है, 4 अपनी ओर से, 3+3, 6 एंड 3+1, 4 एंड 1 एज इट इज़। फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से हम जो अपना प्रिंसिपल है वो रिज्यूम करते हैं। तो 4% से मीन्स 4/100, तो यहाँ कटिंग करेंगे 1/25। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमें जो दे रखा है वो 2 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल रिज्यूम करेंगे वो 25 की स्केयर करेंगे। सपोज यहाँ पर 3 ईयर होता है, तो यहाँ पर पावर जो होती है 3 होती, तो ये होता है हमारा 625। अब देखिए फ्रेंड्स, 625 के ऊपर 2 साल तक हमें जो इंटरेस्ट लगाना है वो फर्स्ट है 1/25, तो ये कटिंग करेंगे, यहाँ पर निकल के आएगा 25 एंड 25 के ऊपर अगेन 1/25, ये निकल के आएगा 1, ये 1। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए हमने जो रेशियो, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 1 है, 2 ईयर की रेशियो जो हमारे पास है 2:1 है, तो यहाँ से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 1 से, जब मैं इसको सम करूँगा तो ये हमारे पास निकल के आएगा 51। अब फ्रेंड्स, जो अमाउंट होता है हमारे पास वो हमें पता है, वो जैसे हमने प्रिंसिपल रिज्यूम करा हुआ है 625+51 करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 676। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर 676 है और क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है 169। अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँगा, 169 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे 676, अगर ये कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर 169 आ जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पर प्रिंसिपल में भी करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगेन 169/676, इसे फ्रेंड्स मैं इसको कटिंग करूँगा, अगर मैं इसको कटिंग करूँगा तो ये 4 पे चले जाएगा, इसको कटिंग करूँगा 4156.25, तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल फ्रेंड्स निकल के आता है वो आता है 1556.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल दैट अमाउंट टू रुपीज़ 4913 इन 3 ईयर्स एट 61/4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमें इंटरेस्ट दे रखा है वो 61/4% दे रखा है, इसको मैं क्या करूँगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस करूँगा 1, ये 25/4 आ जाएगा, और परसेंट का मीन्स 1/100, ये मैं कटिंग करूँगा तो ये आएगा 1/16। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुझे दे रखा है 3 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो 3 ईयर्स के लिए मैं क्या करूँगा, 16 की पावर 3, ये होता है 4096। फ्रेंड्स, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको क्यूब रूट्स है कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो आनी ही चाहिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 6 की पावर 3 है, अब मेरे पास जो इंटरेस्ट लगना है 3 ईयर्स का लगना है 1/16, तो ये कटिंग करूँगा तो यहाँ पर 16 की पावर 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर 256, और अगेन 256 के ऊपर मैं 1/16, उसके बाद ये 16 पे चला जाएगा, और 16 के ऊपर 1/16, तो ये 1 पे चला जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आता है 256, यहाँ पर आता है 16 और यहाँ पर आता है 1, और 3 ईयर्स के लिए हमारे पास रेशियो क्या है, 3:3:1, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से करूँगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर जो मुझे ये आ गया 768 और ये आ गया हमारे पास 48 एंड ये आ गया 1, जब मैं इसको सम करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 1 8 817। अब जब मैं इसको अमाउंट में, अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारे पास है 4096 जो मैंने रिज्यूम करा हुआ है, तो 817 ऐड करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3194913। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें देखा है 4913, और यहाँ पर भी हमारी जो अमाउंट है क्वेश्चन में वो 4913 है, तो ये सेम आ गया। अब यहाँ पर मुझे अगेन इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर अमाउंट ये है तो मेरा प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, प्रिंसिपल मेरा है, प्रिंसिपल है 4096, तो यही फ्रेंड्स मेरा आंसर होएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज़ 7350 इन 2 ईयर्स
एंड टू रुपीज 8575 इन 3 ईयर्स, फाइंड द सम एंड रेट पर्सन। फ्रेंड्स प्रिंसिपल सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, यहाँ पर कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें देखिए 3 साल के लिए, मैं इसको एक्सक्यूज्यूम कर लेता हूँ कि 3 साल के लिए किसी चीज़ के ऊपर मुझे जो वैल्यू दे रखी है 8575 दे रखा है। अब जो एक्स सेकेंडरी दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 7350। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको कटिंग करूँगा तो ये 5 पे चला जाएगा, ये 1470 एंड 1715। अगेन फ्रेंड्स इसको मैं काटूँगा, 5 से अगेन कट देगा, ये हमारे पास 343 और यहाँ पर आ जाएगा 294। अब ये फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ऐसी वैल्यूज आ जाती है जो 2, 3 और 5 के टेबल पे ऐसे कटते नहीं हैं, तो हम इसको सबसे आसान तरीका है इसको करने का, हम बड़ी वैल्यू बीच में रख लेते हैं और ये छोटी वैल्यू बाहर। तो ये चले जाएगा यहाँ पर रहेगा 49, ये फिर अगेन ये वैल्यू हमने क्या रख बीच में रख लेनी होती है और ये आ जाएगा 6 पे चले जाएगा तो 294 ये कटिंग हो जाएगी। ये जो 49 निकल के आता है फ्रेंड्स, ये 49 ये दोनों वैल्यू इसके टेबल में आती है तो मैं इसको 49 से काट दूंगा। 49 से अगर मैं काटूंगा तो ये आ जाता है 7 से चल जाएगा और ये आ जाएगा 6 पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये x की पावर स्क्वायर है तो ये क्यूब, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7/6। अब फ्रेंड्स 7/6 है, अब देखिए x की वैल्यू 7/6 है, मुझे उसने 2 साल के लिए क्या रखा है किसी वैल्यू के ऊपर 7/6, अगेन 7/6 2 साल के लिए मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है 7350। तो मेरे को एक की वैल्यू पता लग जाएगी 7350 6/7। फ्रेंड्स इसको कटिंग करेंगे 7 पे चले जाएगा ये 1050 एंड 7 पे 7150 एंड 36 को हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5400। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है प्रिंसिपल। ठीक है जी, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 7/6 है तो यहाँ से जो सिंगल x है, अगर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब या और होता तो हम डायरेक्ट इसको बता नहीं पाते कि इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, पर ये x की सिंगल पावर है तो यहाँ पर 7/6 है तो डिफरेंस कितने का 1 का, हम कितने में कमा रहे हैं 6 के ऊपर 1 रुपीज़ कमा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 तो ये 2 पे कट दे ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेट परसेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा फ्रेंड्स 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ सम ऑफ अमाउंट बिकम्स रुपीज़ 13380 आफ्टर 3 ईयर्स एंड रुपीज़ 20,070 आफ्टर 6 ईयर्स ऑन कंपाउंड रिटर्न्स, फाइंड द सम। सम अगेन मीन्स प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि एक्स की पावर 6, अगेन प्रीवियस जैसे क्वेश्चन करा है हमने तो ये हमारे पास निकल गया था 20, ये हमें दे रखा है तो एक्स की 3 उसने दे रखा है तो ये हमारे पास 13380। इसको हम कटिंग करेंगे, ये फ्रेंड्स कटिंग करेंगे 669 एंड 3 पे 446 ये चले जाएगा 223 पे एंड यहाँ पर कटिंग 3 आएगा यहाँ 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स की पावर 3 थी, एक्स की पावर 6 के यहाँ पर सिर्फ एक्स की पावर 3 आई थी, एक्स की पावर 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2। अब क्वेश्चन में उसने दे रखा है एक्स की पावर 3 किसके बराबर है, ये हमारे पास दे रखा है 13380। अब इसकी वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 1338 यहाँ पर फ्रेंड्स 0 है 80 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13380 मल्टीप्लाई 2/3 ये 3 पे कट जाएगा ये 4460 ये आ जाएगा 8920। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है 8920 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 15.25, फाइंड द सम। सम इज प्रिंसिपल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 5% दे, 5% को लिखते हैं 5/100 ये कटिंग हो जाए, ये हमारे पास आएगा 1/20। अब फ्रेंड्स 3 ईयर्स के लिए तो मैं क्या करूँगा इसकी पावर 3 ईयर्स यूम करूँगा प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर अब देखिए 20 की पावर 3 है तो मेरे पास इंटरेस्ट जो लगेगा 1/20 लगेगा तो ये आ जाएगा 400। अब अगेन 400 के ऊपर
वन बाई ट्वेंटी लगेगा, ये ट्वेंटी आ जाएगा और ट्वेंटी के ऊपर वन बाई ट्वेंटी लगेगा तो ये वन आ जाएगा। यहाँ 400 आता है, यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 1। अब फ्रेंड्स ये 3 इयर्स के लिए है तो हमें पता है 3 इयर्स के लिए हमारे पास रेशियो क्या है, 3:3:1। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से, यहाँ से 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1200, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 1। फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो फर्स्ट रेशियो होती है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो वैल्यू होती है उसके बाद वाली ये हमेशा डिफरेंस होता है जो बाद वाली रेशियो का होता है 3:3। ये जैसे इसको हम सम करेंगे तो 61 क्या है, ये हमारे पास डिफरेंस है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब 61 है तो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा था उसने, देखिए हमें जो डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स वो दे रखा है 15.25, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस आ रखा है वो 61 आ रखा है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, 15.25 यहाँ से 61 से डिवाइड कर दूंगा, ये कटिंग हो जाएगी। अब जो चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही चीज़ मैं प्रिंसिपल में भी करूँगा। यहाँ पर 20 की क्यूब कितनी थी, 8000, तो यहाँ पर 15.25 डिवाइड बाई 61, ये पॉइंट बिंदी डेसिमल हटेगा, यहाँ पर 100 आएगा, ये 00 00 कट जाएगी। अब ये 61 पे चले जाएगा 2 एंड 5 एंड 25 को 8 से करेंगे, ये आ जाएगा 2000। तो हमारे पास फ्रेंड्स आंसर क्या हमारा जाता है 2000, हमारा प्रिंसिपल क्या है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹18,000 इन 2 ईयर्स वाज 405 एंड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में उसने डिफरेंस हमें 405 दे रखा है। इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मेरे को उसने प्रिंसिपल देखा 18,000, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरेस्ट 10% होता तो मैं फर्स्ट ईयर के लिए 10% लगाता तो यहाँ पर आ जाता 1800, और अगेन 1800 के ऊपर 10% लगाता तो ये आ जाता मेरे पास 180। अब 2 साल के लिए हमारे पास रेशियो क्या रहती है, 2:1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता यहाँ पर 3:6 आ जाता यहाँ पर 1 से करता। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो फर्स्ट की ये छोड़ के फर्स्ट वाली वैल्यू जो बाद वाली आती है वो डिफरेंस है 180। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने क्या सीखा कि जब हम प्रिंसिपल के ऊपर रेट परसेंट लगाते हैं, 8% मैंने 10% लगाया, फिर उसके ऊपर 10% लगाया तो हमेशा डिफरेंस निकल के आता है। तो सेम तरीके से मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे 18,000 है तो उसके ऊपर 8% लगाएगा, फिर उसके ऊपर 8% लगाएगा तो हमारे पास निकल के आता है डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर 18,000 मैं इसको 8% का मीन्स 1/100 एंड यहाँ पर भी 1/100, ये जिसका 405, 00 से 00 कट जाएगी, सिंगल जीरो कट जाएगी, आर स्क्वायर 405, 10 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, 9 पे जाएगा 92 एंड 94 एंड 5 फ्रेंड 2 से चल जाएगा, ये आ जाएगा 225 और आर मन पर कितना था 15%। तो इसके हमारा आंसर क्या आता है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द सिंपल रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स इज 183 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फ्रेंड प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है आपको, जब यहाँ पर दे रखा है सेमी एनुअली, तो इस केस में क्या होता है कि हम आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे पास आर क्या दे रखा था, हमारे पास 10% है तो मैं क्या करूँगा 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 5% आ जाएगा, और टाइम को मैं टाइम मेरे पास है 1 से 2/3, इसको 2 से ये आ जाएगा 3/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 का मीन्स क्या है, हमने 3 ईयर तक चलना है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे को जो अब रेट मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर सेमी एनुअल की जगह कम क्वार्टरली होता तो मैं आर को 4 से डिवाइड करता, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पर 5% मेरा निकल गया, 5% का मीन्स होता है ये कटिंग हो जाएगी, ये फ्रेंड्स 1/20 आ जाएगा। अब 3 ईयर तक मैंने 3 टर्म्स तक लेके जाना तो मैंने एज्यूम क्या करना है प्रिंसिपल 20 की क्यूब। अब 20 की क्यूब के ऊपर 1/20 मेरा इंटरेस्ट लगेगा तो ये आ जाएगा 20 की स्क्वायर, ये 400 आ जाएगा, और 400 के बाद 1/20 ये 20 आ जाएगा, अगेन 20 ये 1 आ जाएगा, ये 400 ये फ्रेंड्स हमारे पास 20 एंड ये 1। अब 3 ईयर के हमारे पास रेशियो लगेगी 3:3:1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी
वन से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास 1200 आया था, ये 60 और ये 1। अब मैंने ऑलरेडी बता रखा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के जो बाद वाला होता है ये हमेशा डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो यहाँ पर मेरे पास 60 प्लस 1 61 आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसने, 183 डिफरेंस। तो फ्रेंड्स मैं इसको किससे मल्टीप्ल 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 183 आ जाएगा, तो मेरा डिफरेंस आ जाता है। अब जो चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही चीज़ मैं प्रिंसिपल के साथ करूँगा, ये 20 की क्यूब क्या होता है 8000, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यह क्या आ जाएगा 24000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ़ द अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स। इफ़ द रेट ऑफ परसेंट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 5% पर एनम फॉर सेकंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000 फॉर 3 ईयर्स विल बी। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसको पहले तो हम देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए उसने 4% दे रखा है, तो 4% मीन्स 4/100, तो ये कटिंग हो जाएगी, ये हमारे पास आएगा 1/25। अब उसके बाद उसने सेकंड ईयर के लिए दे रखा है 5%, 5% मीन 5/100, तो ये कटिंग करेंगे ये 1/20 आ जाएगा। थर्ड ईयर के उसने 6%, 6/100 करेंगे तो ये 3/50 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब उसने हर साल में जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है लग दे रखा है, अब यहाँ पर 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होएगा, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा 1/25, सेकंड ईयर के लिए लगेगा हमारे पास 1/20 एंड थर्ड ईयर के लिए लगेगा 3/50। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर के लिए लगाऊंगा तो 1/50 से मैं 10,000 को 1/25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारे पास आएगा 400, ये 4 पे कट जाएगा, 400 आएगा। अब यहाँ पर 10,000 को मैं 1/20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 500, तो अगेन सेम चीज़, 10,000 को मैं 3/50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 600। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स इसको जैसे यहाँ पर 400 है, तो जब भी ये सेकंड ईयर में एंटर होएगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या इंटरेस्ट का लगेगा यहाँ पर 1/20, अगर थर्ड ईयर में एंटर करेंगे तो 3/50 लगेगा। अब जब सेकंड ईयर में एंटर करें तो हमने क्या करा, 400 पे भी कितना इंटरेस्ट लगेगा 1/20, क्योंकि सेकंड ईयर में एंटर कर रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 20। 400 को मैं जैसे 1/20 से मल्टीप्लाई करूँगा 20 पे कट जाएगा, तो ये 20 आ जाता है। अब फ्रेंड्स जब थर्ड ईयर में है, बहुत आसान तरीका इसको याद करने का, जैसे थर्ड ईयर में 6 जो इंटरेस्ट है, देखिए ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, तो तीनों के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा क्या 3/50, तो अगेन मैं 400 के ऊपर 3/50 लगाता हूँ, तो ये चले जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा हमारे पास 24। अब 500 के ऊपर भी 3/50, तो ये हमारे पास आएगा 30, और 20 के ऊपर भी 3/50, क्योंकि थर्ड ईयर में एंटर कर रहे हैं ना हम, तो ये 3/50 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, सिफर से सिफर कट जाएगा, तो ये 6/5, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 1.52। अब फ्रेंड्स देखिए, अब 400 प्लस 500 प्लस 600, ये हमारे पास आ गया 1500। अब फ्रेंड्स अब इसको भी ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 30 ये था हमारे पास, 24 ये, 20 ये और 1.2 ये, देखिए फ्रेंड्स 20 प्लस 30 50, 50 एंड 74, 74 प्लस 1.2 ये हमारे पास आएगा 75.2, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगा 1575.2। तो अगर फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 1575.2, सपोज फ्रेंड्स उसने अमाउंट पूछ रखा होता तो हम क्या करते, 10,000 जो प्रिंसिपल था इसमें 1575.2 ऐड कर देते, ये हमारे पास 11,575.2, ये हमारे पास अगर उसे अमाउंट पूछ रखा तो हमारा आंसर ये होता। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं इसके बाद भी काफ़ी जो वीडियोस है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लेके आऊँगा, जो हर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक बेल आइकॉन होता है उसको भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको जो फ्यूचर में मेरी वीडियोस आएंगी वो अपने आप आपके फ़ोन में आपको रिफ्लेक्ट कर देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बार, स्टडी बार में आपका स्वागत है फ्रेंड्स।